नमस्कार साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, या आप इसे स्मार्ट सिटी कहें। स्मार्ट सिटी और औपचारिक रूप से तो बनी चुकी है। तो नेशनल हाईवे पर बाटा बोर्ड और नीलम फ्लाईओवर के बीच में ट्रैफिक पार्क एक सालों से बना हुआ है। स्मार्ट सिटी घोषित होने से भी कई साल, मेरे ख्याल से 12-15 साल हो गए होंगे ट्रैफिक पार्क को बने हुए। इस ट्रैफिक पार्क का इस्तेमाल बच्चों में, खासकर स्कूली बच्चों को यहाँ पर लाकर विज़िट कराकर और बाकायदा प्रैक्टिकली रूप से ये समझाने के लिए किया जाता रहा है कि वो ट्रैफिक को लेकर जागरूक हों। तो रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन क्या होती है आपकी, इसके अलावा येलो लाइट पे क्या करना चाहिए, स्टॉप लाइन क्या होती है, पैदल गुजरने वालों के लिए कौन सी लाइन होती है, पूरा ये ट्रैफिक पार्क में सब कुछ मौजूद था। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें या कोरोना से भी पहले की बात करें, तो उससे भी पिछले कुछ सालों से ये ट्रैफिक पार्क बदहाल हो चुका है, जो बच्चों में जागरूकता लाने के लिए एक बेहद अच्छा माध्यम बना था। तो शहर में और बल्कि हरियाणा में ट्रैफिक को लेकर जागरूकता फैला रही संस्था हरियाणा रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के, हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट एस के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुद कई आयोजन यहां पर करवाए हैं ट्रैफिक पार्क में। तो शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि ये ट्रैफिक पार्क ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म हो ही चुका है? नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कह मानूंगा कि ख़त्म हो चुकी है, मगर हाँ, मेंटेन नहीं किया गया है। और इसके ऊपर हम लोग बात भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, पेंट करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि लाइट सिग्नल जो है वो अगर बीच चढ़ने लगे तो उसमें जो हम लोगों का प्लान है वो है छोटी गाड़ी, छोटी साइकिल या इस तरह की 4-5 बच्चों के लिए, उनको बताएं कहाँ रुकना है, कैसे चलना है, इसका हम लोग बहुत जल्दी आरंभ करने जा रहे हैं। ये एक प्लान है और मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होगा हम लोगों का। शुक्रिया शर्मा जी।